जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन हिस्ट्री चैनल। हम हिंदू नहीं हैं। लेखक सुमेध जगरवाल। विनम्र अनुरोध, भारतीय मूलवासी लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार रहे हैं। विदेशी हुक्मरानों ने उन पर समय समय पर आक्रमण करके उनको अपने गुलाम बनाकर सदियों से तरह तरह के अत्याचार किए हैं। भारतीय मूलवासी लोग भारत में लगभग 74,000 वर्ष पूर्व से निवास कर रहे हैं। इनकी संस्कृति सदियों से उत्कृष्ट रही है। उनके बीच कभी भी कोई भी ऊंच नीच एवं भेदभाव नहीं था। विदेशी हुक्मरानों ने उनके सीधेपन और ईमानदारी का फायदा उठाकर फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर हजारों जातियों और वर्णों में विभाजित कर दिया और उनमें ऊंच नीच की भावना उत्पन्न करके उनकी एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। आज के परिदृश्य में भी भारतीय मूलवासियों का अनुचित लाभ उठाने के लिए ब्राह्मणवाद बढ़ता ही जा रहा है। जब तक सभी भारतीय मूलवासी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक ब्राह्मणवाद का सहार असंभव है। धन्यवाद। सुमेध जगरवाल। हम हिंदू नहीं हैं। वर्तमान में जिन लोगों को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में जाना जाता है, वे सभी लोग 74,000 वर्ष से भारत में निवास करने वाले प्रथम मूलवासी हैं, जिनकी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जानी जाती थी, जो 4,500 से 5,000 ईसा पूर्व से स्थापित थी। अफ्रीका से अन्य द्वीपों की तरफ विचरित करते हुए आए सभी भारतीय लोग एक माँ बाप की संतान हैं, जो डीएनए जांच से प्रमाणित हो चुका है। भारतीय मूलवासियों की संस्कृति बहुत ही उत्तम किस्म की थी। उनकी संस्कृति में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं थी, न ही कोई ऊंच नीच और न ही कोई छुआछूत थी, कोई भी जाति बंधन नहीं था। आज से 4,000 वर्ष पूर्व घुमक्कड़ों के रूप में कुछ कबीले मध्य एशिया से भारत की सरहद में आए और उन्होंने भारत में आकर सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उनको हजारों जातियों में विभाजित कर दिया। हर भारतीय को उनके धंधे के अनुसार सेवा के कार्य बांट दिए गए और स्वयं उनकी मेहनत पर गुलछरे उड़ाने लगे। भारतीय मूलवासियों को अपमानित करने के लिए उन्हें शूद्र और अतिशूद्रों का नाम दिया गया और उनको शारीरिक गुलामी के साथ साथ मानसिक गुलामी में भी जकड़ दिया गया। इस प्रकार भारतीय मूलवासी कभी भी आर्य संस्कृति के अंग नहीं रहे हैं। वेदों में आर्यों और अनार्यों के परस्पर युद्धों से प्रमाणित है कि अनार्य लोग हिंदू नहीं हैं। ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों के डीएनए का नमूना लेकर सारी दुनिया के मनुष्यों के डीएनए के साथ परीक्षण किया गया। यूरेशिया प्रांत में मोरूवा समूह है, जो कि रूस के पास काला सागर नामक क्षेत्र के पास अस्किमोजी भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित है, जिसकी मोरू नाम की जाति के लोगों का डीएनए भारत में रहने वाले ब्राह्मणों, राजपूतों और वैश्यों से मिला। इस शोध से ये प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं। महिलाओं में पाए जाने वाले डीएनए, जो हजारों सालों में सिर्फ महिलाओं से महिलाओं में ट्रांसफर होता है, पर हुए परीक्षण के आधार पर यह भी साबित हुआ कि भारतीय महिलाओं का डीएनए किसी भी विदेशी महिलाओं की जाति से मेल नहीं खाता है। भारत की सभी एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों की औरतों का डीएनए एक है और 100% आपस में मिलता है। वैदिक धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि औरतों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। यह बात भी इस शोध से प्रमाणित हो गई कि जब सभी महिलाओं का डीएनए एक है, तो इसी आधार पर यह बात वैदिक धर्मशास्त्रों में कही गई होगी।
अब इस शोध के द्वारा इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल गया है। ऋग्वेद में इंद्र के संदर्भ में 250 श्लोक आते हैं। ब्राह्मणों के नायक इंद्र पर लिखे सभी श्लोकों में यह बार बार आता है कि हे इंद्र, उन असुरों के दुर्कसुरों बहुजनों की सभ्यता को नष्ट करो। कर ही स्थित सात इंद्र चैत्यास दधज्ञ यदि मंदोरक्ष एषत मित्रक्रुवो यक्षिष्णे मगाव पृथिव्या आपृग मुया शयन्ते। अर्थात ऋग्वेद के खंड 10 अध्याय 80 श्लोक 14 से स्पष्ट है कि हे इंद्र, तुमने जिस अस्त्र और बाण को फेंक कर पापी राक्षस को काटा वह कहां फेंकने योग्य है। जैसे गौवध के स्थान पर गायें काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से आहत होकर मित्र द्वेषी राक्षस पृथ्वी पर गिरकर सदैव के लिए सो जाते हैं। इस प्रकार गौ भक्षी आर्य लोग भारतीय लोगों से द्वेष भावना रखते थे और उनको हमेशा नष्ट करने की कामना अपने भगवानों से करते थे। आर्य लोगों को भारतीय लोग फूटी आंख नहीं सुहाते थे। इस प्रकार आर्य लोग भारतीय लोगों के शुभचिंतक कभी भी न तो थे और न हैं और नहीं हो सकते हैं। बंटे हुए भारतीय समाज को यथावत रखने के लिए उनके द्वारा विधान बनाए गए। विधानों में ऐसे कानूनों की रचना की गई जिनमें सभी प्रकार लाभ विदेशी आर्य लोगों को ही मिले। वर्टिकल बार ईश्वरीय सत्ता की रचना की गई। ईश्वरीय सत्ता की रचना से उत्पन्न पूजा पाठ एवं अनुष्ठानों का 100% धार्मिक आरक्षण विदेशी आर्य लोगों ने अपने स्वयं के लिए आरक्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय मूलवासी समाज को शिक्षा से वंचित रखने के लिए कानूनों की रचना की गई और भारतीय मूलवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया और शिक्षा का 100% आरक्षण अपने स्वयं के लिए कर लिया। शिक्षाहीन होने पर भारतीय मूलवासी धनहीन एवं संपत्तिहीन हो गए। इसके बाद विधानों की रचना करके धन एवं संपत्ति रखने का 100% आरक्षण अपने स्वयं के लिए आरक्षित कर लिया, जिससे भारतीय मूलवासी लोग धन एवं संपत्ति नहीं रख सकते थे। धन एवं संपत्ति रखने का अधिकार केवल विदेशी आर्य लोगों को ही था। राजाओं के दरबार में मंत्रीपद की गद्दी संभालने के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती थी। विदेशी आर्यों के अतिरिक्त भारतीय समाज में कोई अन्य शिक्षित नहीं होता था। इसलिए लगभग 100% मंत्री पद का आरक्षण हर विदेशियों की गुलामी में विदेशी आर्य संस्कृति के लोगों के लिए ही आरक्षित था। राजा की गद्दी को परंपरागत संभालने के लिए सदियों तक 100% आरक्षण विदेशी आर्य लोगों को ही आरक्षित रहा। सेवा एवं बेगार करने का 100% आरक्षण पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षित कर दिया गया था। दुनिया के समस्त धार्मिक ग्रंथ अपने देश के समस्त नागरिकों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि विदेशी आर्य संस्कृति के ग्रंथ अपने देश के नागरिकों को अनपढ़ रहने की शिक्षा देते हैं। जो धर्म अपने अनुयायियों को अनपढ़ रहने के लिए बाध्य करता है, वह धर्म उन अनुयायियों का कदापि हो ही नहीं सकता है। धर्म अनुयायियों की उन्नति के लिए बनाया जाता है, अवंती के लिए नहीं। यदि भारतीय लोग हिंदू होते तो उनको आर्य संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार निश्चित होता, परंतु आर्य लोग भारतीय लोगों को शूद्र के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते थे। जिन लोगों से आर्यों ने लड़कर सत्ता छीनी वे लोग भारतीय लोगों को शिक्षित करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते। इसलिए भारतीय लोगों को आर्य संस्कृति में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा के अभाव में पिछड़े वर्ग के लोग विदेशी आर्य संस्कृति के पिछ लग्गू बनकर रह गए और अनुसूचित जाति बटा जनजाति के लोग अछूत होने के कारण उनका निवास शहरों और गांवों से बहुत दूर होता था। वे लोग शिक्षा के संबंध में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जो धर्म भारतीय लोगों की दुर्दशा इस प्रकार करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय लोग हिंदू संस्कृति के अंग हैं? किसी भी संस्कृत ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए, सभी में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं समस्त स्त्री जाति के लिए मानसिक एवं शारीरिक अत्याचारों का भंडार भरा पड़ा है।
जो धर्म जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देता है, वे लोग उस धर्म के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? जैसे वाल्मीकि रामायण एक समय ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म का तुलसीकृत रामचरितमानस से पूर्व एक अतुलनीय धर्म शास्त्र माना जाता था। वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ 990 के श्लोक 26 एवं 28 में उल्लेख है कि शूद्र, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को शिक्षा प्राप्त करना महान अधर्म माना गया है। रामचरितमानस के पृष्ठ 870 पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपट की रात कोल कलवारा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुडाई होहिं सन्यासी। अर्थात तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलहार आदि जो वर्ण में नीचे हैं अर्थात शूद्र हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति में किसी भी भारतीय को साधु सन्यासी बनने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणी सत्ता में ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी साधु सन्यासी नहीं बन सकता था। यदि पिछड़ा वर्ग हिंदू धर्म का अंग होता तो उसको निश्चित रूप से साधु सन्यासी बनने का अधिकार होता, परंतु हिंदू धर्म भारतीय लोगों को हिंदू धर्म का अंग मानता ही नहीं था। शूद्र करहिं जप तप व्रत नाना बैठी बरासन कहिं पुराना सब नर कल्पित करहिं आचारा जाए न बरनी अनीति अपारा। अर्थात तुलसीदास रामायण में पिछड़े वर्ग को प्रताड़ित करते हैं कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं, सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुनिया के समस्त धार्मिक ग्रंथ अपने देश के समस्त नागरिकों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार देते हैं, जबकि विदेशी आर्य संस्कृति के ग्रंथ भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए अनपढ़ रहने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म पिछड़े वर्ग की शिक्षा को अपार अनीति समझता है और उनको अनपढ़ रहने के लिए निर्देशित करता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 663 पर भारतीय लोगों को मानसिक और शारीरिक गुलाम बनाने के लिए तुलसीदास द्वारा ढोल एवं पशुओं के साथ भारतीय मनुष्यों की तुलना की गई है, जो कि घोर मानवता विरोधी है। जिस प्रकार ढोल एवं पशुओं को मारपीट कर बस में रखा है, उसी प्रकार भारतीय नारी और पिछड़े समाज को मारपीट करके अपने बस में रखना चाहिए। जो धर्म भारतीय लोगों के साथ इस प्रकार की घृणा करता है, वह धर्म भारतीय लोगों का कैसे हो सकता है? पूज्य विप्रसी गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 571 पर लिखी गई चौपाई के माध्यम से तुलसीदास भारतीय समाज को निर्देशित करते हैं कि शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इस प्रकार हिंदू धर्म के नायक भारतीय लोगों को तुच्छ और नीच बताते हैं और जातिवाद एवं छुआछूत की भावना पैदा करके मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। भारतीय समाज को ज्ञानहीन और बुद्धिहीन मार्ग की तरफ धकेलते हैं। ये कैसा धर्म है जो अपने ही अनुयायियों को अनपढ़ रहने की शिक्षा देता है? जो धर्म अपने अनुयायियों को ऐसी शिक्षा देता है, वह धर्म उनका नहीं हो सकता है। भागवत गीता ने भारतीय मूलवासियों पर और भी गजब ढाया है। गीता में भारतीय मूलवासी बहुजनों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी काल्पनिक रचना कर डाली जिससे भारतीय मूलवासी क्षत्रिय ऐसी काल्पनिक ईश्वरीय बातों में उलझकर अपने आप को दीनहीन समझने लगे। गीता में काल्पनिक ईश्वरीय वचन है कि ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। 13/21, 14/16, 18 गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य जन्म होता है, अर्थात पूर्वजन्म में मनुष्य के जैसे गुण थे और उसने जैसे कर्म किए थे उनके अनुसार ही उसका जन्म होता है।
अर्थात इस श्लोक में कृष्ण का उपदेश है कि नीच कार्य करने वाले मनुष्य का जन्म शूद्र योनि में और उच्च कार्य करने वाले मनुष्य का जन्म ब्राह्मण योनि में होता है। लेकिन ब्रह्मा का उपदेश है कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, जबकि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है, इसलिए वे नीच हैं। इन दोनों तथाकथित भगवानों में से किस भगवान के उपदेश को सत्य माना जाए? कृष्ण उच्च कर्म के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति को बताता है, जबकि ब्रह्मा कर्म से कोई सरोकार न रखकर ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से बताता है। इस प्रकार कृष्ण एवं ब्रह्मा दोनों के द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों में मानसिक विकृति उत्पन्न की गई, जिससे ये लोग आगे नहीं बढ़ सके और ईश्वर रूपी जाल में उलझे रहे। कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्राणियों के गुणों और कर्मों के अनुसार ही मैंने चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की रचना की है, 4/13। अत भागवत गीता जन्म से ही जाति मानती है, अर्थात जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा होता है उसी में उसकी जाति मानी जाती है। कृष्ण की भागवत गीता के इस जातिवादी ज्ञान ने पूरे भारतीय समाज का मटिया मिट कर दिया। गीता ने पूरे भारतीय समाज को हजारों जातियों एवं वर्गों में विभाजित मात्र ब्राह्मणों को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया। इस जातीय एवं वर्ण विभाजन के कारण पूरा भारत व्यक्तिवादी बन गया। गीता के उपदेशों ने भारतीय मनुष्यों में इतनी हीन भावना उत्पन्न कर दी है कि वह जाति रूपी जहर से स्वतंत्र हो नहीं पा रहे हैं, बल्कि जातियों में से जातियों की रचना होती चली जा रही है और भारतीय मूलवासी समाज का विखंडन होता ही चला जा रहा है। जातीय विखंडन से ही ब्राह्मणों की उन्नति के मूल मंत्र की उत्पत्ति होती है, जिससे भारतीय समाज विखंडित होकर ऊंच नीच की आंधी में बहने लगा है। इस आंधी से भारतीय मूलवासी पिछड़े समाज का पतन बढ़ता ही जा रहा है और ब्राह्मण उन्नति के शिखर की तरफ अग्रसर होता ही जा रहा है। गीता की विभाजन वाली नीति से भारतीय समाज को हजारों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से गुजरना पड़ा। भागवत गीता में कृष्ण ने केवल मात्र ब्राह्मणों की उन्नति की वकालत की है, शेष तीनों वर्गों को अवंती का मार्ग ही प्रशस्त किया है। भगवान संपूर्ण मनुष्य जाति को समान रूप से मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन गीता ज्ञान में कृष्ण की ओछी मानसिकता झलकती है। यदि कृष्ण विस्तृत मानसिकता वाले भगवान होते तो पूरे संसार के लोगों को चारों वर्गों में गुण एवं कर्म के आधार पर विभाजित करते, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज के मनुष्यों को ही गुण एवं कर्म के आधार पर विभाजित करके भारतीय समाज के साथ बहुत बड़ा पाप कर्म किया। गीता के ऐसे उपदेशों से ब्राह्मण वर्ण उन्नति के पथ पर अग्रसर है, लेकिन पिछड़ा समाज आज भी पिछड़ता जा रहा है। इसलिए संतजन कहते हैं कि मनुष्यों को विभाजित करने वाला भगवान नहीं शैतान होता है, और मनुष्यों में समरूपता उत्पन्न करके एक सूत्र में पिरोने वाला शैतान नहीं भगवान होता है। लेकिन कृष्ण ने संसार के 10% लोग जो भारत में निवास करते हैं उनको ही 4 भागों में विभाजित करके भारतीय समाज के साथ घोर अन्याय किया है। लेकिन सत्य यह है कि कृष्ण के नाम पर भागवत गीता के रचनाकार ने ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ पदवी पर बनाए रखने के लिए एवं भारतीय मूलवासी पिछड़े समाज का पतन करने के लिए गीता जैसे तथाकथित धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली, जिससे ब्राह्मण उन्नति के शिखर की तरफ अग्रसर होते रहे एवं पिछड़े समाज के लोगों का अंधविश्वास एवं पाखंड के जाल में फंसकर पतन होता रहे। मही पार्थ व्यापाश्रित्य स्युः ये अपि पाप योन्या स्त्रियो वैश्यार तथा शूद्रास्तेपि यान्ति प्रामगतिम्। गीता अध्याय 9 श्लोक 32। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री शूद्र तथा वैश्य पापयोनि के होते हैं, परंतु यदि ये भी मेरी शरण में आ जाएं तो उनका भी उद्धार मैं कर देता हूँ। वर्धकी नापितो गोप आशाप कुंभकारक वाणिक्यत कायस्थ मालाकार कुटुम्बिन वरहो मेद चंडाल दासी स्वपच कोल का एशा संभाषनाथ स्नान दर्शनादार्क वीक्षणम। व्यास स्मृति 1/11-12।
अर्थात व्यास स्मृति के अध्याय एक के श्लोक 11 एवं 12 में वेदव्यास ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं कि बढ़ई, नाई, ग्वाल, कुम्हार, बनिया, किरात, कायस्थ, भंगी, कोल, चंडाल ये सब शूद्र नीच कहलाते हैं। इनसे बात करने पर, स्नान और इनको देख लेने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 215 से विदित है कि लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 281 से विदित है कि शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दबाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 282 से विदित है कि यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे तब राजा दोनों ओंठों पर पेशाब कर दे तब उसके लिंग को और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 280 से विदित है कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 272 से विदित है कि शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दें। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 166 से विदित है कि जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है वह 21 जन्मों तक कुत्ते बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 25 से विदित है कि शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 11 श्लोक 131 से विदित है कि बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 50 से विदित है कि शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा श्मशान पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें। मनुस्मृति के अध्याय 14 श्लोक 417 से विदित है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन लेवे क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 418 से विदित है कि राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक 52 से विदित है कि मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। जो संस्कृत ग्रंथ और उनके भगवान भारतीय समाज के लोगों को इस प्रकार की गालियों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं वे उस संस्कृति के अंग कैसे हो सकते हैं। हिंदू संस्कृति के ऐसे दुराचरण के कारण ही भारतीय मूलवासियों का पतन हुआ है। ब्राह्मणी लोगों के एक भी ऐसे देवी देवता का नाम बताइए जिसने मनुष्य जाति के हित के लिए कोई भी आविष्कार किया हो। पृथ्वी पर सभी आविष्कार बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा किए गए हैं। कागज चक्के, खेती, बड़े बड़े घर, बंगले, जहाज, हवाई जहाज, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल्स, गाड़ियां, समाज निर्माण, धर्म निर्माण, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति निर्माण और अपने चारों तरफ मनुष्य के सुख सुविधा की जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन सभी का आविष्कार मनुष्य के अथक प्रयासों से हुआ है और गुणगान किया जाता रहा है भगवान और देवी देवताओं के चमत्कारों का। दुनिया में ऐसा एक भी आविष्कार बताइए जो किसी ईश्वर भगवान और देवी देवता द्वारा किया गया हो। ईश्वर भगवान और देवी देवताओं की रचना ही मनुष्यों द्वारा की गई है, वे मनुष्य को क्या दे सकते हैं। इसकी पुष्टि इस कथन से भी होती है कि मनुष्य के अलावा दुनिया का एक भी प्राणी भगवान और देवी देवताओं को नहीं मानता।
जितने भी भारत में जानवर रहे हैं वे देवी देवता और भगवानों की सवारी के लिए प्रयोग किए गए हैं। उन जानवरों का एक भी बच्चा तो उन भगवानों का गुणगान करता, उनकी पूजा अर्चना करता, परंतु आज तक किसी भी सवारी वाहक जानवर को अपने उन भगवानों की पूजा करते हुए नहीं देखा गया है जो उनकी सवारी करते थे। जहां मनुष्य की पहुंच नहीं रही है वहां कोई भी मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं मिला है। यदि संपूर्ण सृष्टि का कोई रचयिता होता तो उसको संपूर्ण संसार में जाना जाता और संपूर्ण सौरमंडल में उनके पूजा स्थल होते, परंतु अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवता और भगवानों की मनुष्यों द्वारा काल्पनिक रचना की हुई है। मनुष्य को जैसी कल्पना सूझी वैसे ही भगवान और देवी देवताओं की रचना कर डाली। दुनिया में अनेक धर्म पंथ और उनके अपने अपने देवता हैं। दिन प्रतिदिन नए नए भगवान और उनकी नई नई प्रार्थनाएं तैयार हो रही हैं। दुनिया में देवताओं के अलग अलग आकार और उनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजाओं का निर्माण किया गया है। अभी तक किसी भी मनुष्य के पास भगवान मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। भगवान को मानने वाले भी और नहीं मानने वाले भी एक जैसी समान जिंदगी जीते हैं। भगवान किसी का भी भला या बुरा नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई भगवान होता तो सबसे पहले भ्रष्टाचार, अन्याय, चोरी, बलात्कार, आतंकवाद, अराजकता और ऊंच नीच पर रोक लगाता और दुनिया के समस्त इंसानों को सुख शांति प्रदान करता। परंतु हजारों वर्षों से पूरी पृथ्वी करोड़ों लोगों के खून और मानवताहीन अत्याचारों से रंगी और पटी पड़ी है। हजारों वर्षों से बच्चियों की भ्रूण हत्या होती आ रही है, गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार होते आ रहे हैं, मासूम बच्चों पर गोलियां दागी जा रही हैं, तथाकथित धार्मिक स्थलों पर नारियों की इज्जत लूटी जा रही है। यदि कोई ऐसा भगवान होता तो उसको ये अत्याचार दिखाई नहीं देते, और दिखाई देते तो ऐसे अत्याचारों को आकर नहीं रोकता। उसी भगवान के मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, उसकी ही संतान को दूसरी संतानों द्वारा गुलाम बनाकर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। यदि ऐसा कोई भगवान होता तो वह इन सब बुरे कृत्यों की रक्षा नहीं करता। भगवानों और देवी देवताओं के नाम पर ब्राह्मणी लोगों द्वारा अपने स्वार्थ हेतु दुकानदारी चलाई जा रही है, और इस दुकानदारी के माध्यम से संपूर्ण भारत में ऊंच नीच, छुआछूत और पाखंड का जाल बिछाया हुआ है, और इस जाल के माध्यम से भारतीय लोगों का शोषण दिन और रात किया जा रहा है। हिंदू धर्म में दलितों की गिनती इंसान तो छोड़िए जानवरों में भी नहीं होती है। जानवर तो पूजा का पात्र है, उसका मल मूत्र भी आस्था का प्रतीक है, लेकिन दलित को छूना भी पाप है, दलित अछूत है। ये ब्राह्मणी लोग अपने घरों में तमाम जानवर रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता इत्यादि। कितना आत्मीय व्यवहार रखते हैं इन जानवरों से। इनको अपने ही थाल में जूठन आदि खिलाते हैं, अपनी ही बाल्टियों में पानी पिलाते हैं, फिर उन्हें धुलकर रख लेते हैं, बाद में खुद इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं बर्तनों में खाते हैं, इन्हीं बाल्टियों में पानी पीते हैं। लेकिन अगर यही बर्तन, यही बाल्टी दलित छू ले तो उसे घर से बाहर कर देते हैं। मतलब दलित जानवर से भी गया गुजरा है। इतना सब होने पर दलित किस मुंह से कह सकता है कि वह हिंदू है? दलित तो हिंदू धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था में भी नहीं आता है। इसको पंचम वर्ण के नाम से जानते हैं। कुछ लोग गलती से दलित को शूद्र कहते हैं, लेकिन दलित शूद्रों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात दलित शूद्र नहीं हैं। ये शूद्रों से बाहर हैं। दलित को अछूत समझा जाता है। दलित अपने घर पर सवर्णों के आने पर अपनी चारपाई पर भी नहीं बैठ सकता है। सोचिए, घर हमारा, चारपाई हमारी, इसको बनाने वाला भी हमारा, लेकिन हम सवर्णों के आने पर अपनी चारपाई पर नहीं बैठ सकते। ये कैसा धर्म है, ये कैसी इंसानियत है? दलितों को हमेशा गांव से बाहर बसने के लिए बाध्य किया गया।
दलितों का घर गांव में दक्षिण दिशा में रखा गया। सवर्णों का मानना था कि हवा दक्षिण दिशा से कम चलती है, दलित गंदा होता है, इसलिए हवा इसे छूकर हमें गंदा न करे, जिससे दलित को दक्षिण दिशा की ओर बसने के लिए मजबूर करो। दलित हिंदू धर्म के किसी भी त्योहार में उनके यहाँ शामिल नहीं हो सकता। हिंदू के किसी कार्यक्रम में इसको शामिल होने की इजाजत नहीं है। मंदिर नहीं जा सकता, जाएगा तो पीटा जाएगा। उनकी चारपाई पर नहीं बैठ सकता। उनके बीच में बैठकर खाना नहीं खा सकता। इतनी बड़ी अस्पृश्यता, क्या दशा है दलितों की हिंदू समाज में? किसी बुद्धिजीवी ने कहा है कि अगर अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। अस्पृश्यता पाप ही नहीं, महापाप है, जिस महापाप को करने में हिंदुओं को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है। वे लोग दलितों को अपनी टूटी जूती से अधिक नहीं समझते हैं, इसलिए दलितों को उन्हें नीच और तुच्छ कहने में जरा सा भी संकोच नहीं होता है और वे बड़ी शान से कहते हैं। बाबा साहेब ने कहा है कि दलितों को जानवर से भी नीचा दर्जा देना, यह साबित करता है कि दलित और चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन हिंदू नहीं हो सकता। अगर ये हिंदू होता तो कभी भी इसके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार नहीं होता। बाबा साहेब ने कहा है कि हिंदू धर्म में दलितों की स्थिति गुलामों से भी बदतर है, क्योंकि गुलामों के मालिक उन्हें छूते हैं, उनके हाथ का बना खाना खाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में दलितों को छूना भी पाप है। चुनाव में दलित वोटों को प्रभावित किया जाता है। दलित बहन बेटियों की असमत लूटी जाती है। शिक्षा केंद्रों पर उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। नौकरियों और पदोन्नतियों में उनको पीछे रखा जाता है। पुलिस थानों और न्यायालयों में उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जाती है। उनकी बहन बेटियों के साथ सरेआम छेड़खानी की जाती है। निजी संस्थानों के रोजगारों में उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। नीच से नीच कार्य करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। अंधविश्वासों और भगवानों के नाम पर उनको मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। सार्वजनिक मंचों पर बोलने से उनको रोका जाता है। सार्वजनिक दाह संस्कारों के स्थान पर उनको दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता है। इतना सब होने पर दलित किस मुंह से कह सकता है कि वह हिंदू है? अगर वह हिंदू होता तो क्या उसके साथ यह सब होता? दलितों को मारना पीटना, इनके घर जलाए जाना, यह साबित करता है कि दलित हिंदू नहीं है और न ही हिंदू धर्म दलितों का धर्म ही है। वरना अपने सहधर्मी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता? मुस्लिमों को पानी पी पी कर कोसने वाला हिंदू उनके यहाँ खानपान में, उनके यहाँ रिश्तेदारी करने में कोई परहेज नहीं करता। जबकि दलित अपने आप को हिंदू कहता है, फिर भी उसके साथ यह भेदभाव है। अंग्रेज ईसाइयों ने भारत को गुलाम बनाया, देश के लोगों को तमाम यातनाएं दी। लेकिन इन्हीं अंग्रेज ईसाइयों के साथ हिंदू अपनी बेटी ब्याहने में गर्व महसूस करता है, शान समझता है। लेकिन अपने सहधर्मी दलितों के साथ इतना बड़ा भेदभाव रखता है, ये कैसा हिंदू है जो विदेशी आक्रांताओं के साथ रिश्ता रखता है, अपने ही रक्तमास अपने ही सहधर्मियों के साथ परहेज करता है? हिंदुओं से जितना दूर है मुसलमान या ईसाई, दलित हिंदुओं से इनसे भी ज्यादा दूर है। इस सुधरे हुए समय में भी हमारी परछाई से परहेज किया जाता है। लोगों का मानना रहा कि जब सब शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो दलितों के साथ समानता का व्यवहार होने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जो सवर्ण जितना ज्यादा शिक्षित है वह उतना ही बड़ा दलित विरोधी है। आज दलित मंदिर जा रहा है, पूजा कर रहा है, व्रत रख रहा है, लेकिन हिंदू धर्म में उसकी स्थिति सुअर से भी बदतर है। सुअर को वराह विष्णु के अवतार में पूजा भी जाता है, लेकिन अंधभक्त दलित यह समझ नहीं रहा है। बाबा साहेब ने कहा है कि हिंदू की बेहद कमी है, एक समानता दूसरे भाईचारा की।
जिनसे इंसान के बीच में समरसता संस्कृति में दो चीजों अपनापन आत्मीय संबंध बनता है। वह तत्व ही हिंदू धर्म से गायब है। दलितों के गले में हांडी बांधना, शिक्षा से वंचित रखना, आज के समय में भी जगह जगह दलित प्रताड़ना, इनकी हत्या करना, घर जलाना, मारना, पीटना, इनकी अस्मत लूटना, जहां मानवता कराह दे, क्या साबित करता है? इतना सब होने पर दलित किस मुंह से कह सकता है कि वह हिंदू है? हिंदू अल्पसंख्यक होने के डर से दलितों को हिंदू बताता है, मुसलमानों से लड़वाने के लिए दलित को हिंदू बताता है, वोट लेने के लिए दलित को हिंदू बताता है, वरना तो दलित जानवर भी नहीं है। दलित के साथ वह होता है जो जानवर के साथ भी नहीं होता। यही सब वजह है गुलामी की, यही वजह है धर्म परिवर्तन की। इतनी यातना, इतनी प्रताड़ना, इतनी असमानता, इतनी अमानवीयता दलितों के साथ। यह सब होने पर यह प्रश्न बार बार उठता है कि क्या दलित हिंदू है? क्या दलित हिंदू हो सकता है? क्या हिंदू धर्म दलितों का धर्म हो सकता है? बाबा साहेब का यह कथन बिल्कुल सही है कि दलित कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिंदू नहीं सकता। कुत्ता आता है, इनके भगवान पर मूत कर चला जाता है। ये कुत्ते की पूंछ भी नहीं उखाड़ पाते हैं और बचाव में कहते हैं, क्या संतान अपने पिता के ऊपर मूत्र त्याग नहीं करती है? अगर एक इंसान इनके भगवान के पास से भी गुजर जाए तो वो भगवान अपवित्र हो जाता है। ये उसके ऊपर लाठी डंडे लेकर चढ़ जाते हैं। एक चूहा अथवा बंदर आता है, इनके भगवान के भोग अर्थात भोजन को खाकर जूठा करके चले जाते हैं। ये उनका एक बाल तक भी नहीं उखाड़ पाते हैं और कहते हैं कि ये तो भगवान के रूप हैं। अगर एक आदमी इसी काम को करता है तो ये उसको काटने को दौड़ पड़ते हैं और उसको नीच, दुष्ट, अधम और ना जाने कैसी कैसी उपाधियों से नवाज डालते हैं। ये धर्म के ठेकेदार एक पत्थर के पैर स्पर्श करने के लिए अपना धन और समय दोनों गवाते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जबकि एक इंसान के देखने और छूने मात्र से ही इनका अमंगल हो जाता है। ये नर्क के भागी हो जाते हैं। ये धर्म के ठेकेदार पशुओं के साथ बिस्तर साझा करते हैं, लेकिन इंसानों के साथ बैठना भी साझा नहीं कर सकते। ये जानवरों को माँ बाप कह सकते हैं, लेकिन इंसान को इंसान नहीं कह सकते। ये पत्थरों पर घी और दूध की नदियां बहा सकते हैं, लेकिन भूखे नंगे इंसानों को दुत्कार कर भगा देते हैं। ये दूसरों से कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्रोध मत करो, लेकिन ये खुद की जिंदी तस्वीर होते हैं। क्रोध तो इनकी नाक पर रखा होता है। किसी ने कुछ विपरीत विचार रखे नहीं कि सांप की तरह जीभ लपल पाने लगते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं, मोह माया का त्याग करो, लेकिन खुद इस चक्कर में लगे रहते हैं, किस तरह से मूर्ख बनाकर बेवकूफों से धन ऐंठा जाए। ये कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन खुद आलिशान आश्रमों और बंगलों में रहते हैं, वातानुकूलित गाड़ियों में चलते हैं। अब आप सोचो, इनसे बड़ा धूर्त और पाखंडी कोई और हो सकता है? इनकी संस्कृति झूठ की, लूट की, जातिवाद की, विषमता की, भेदभाव की, शोषण की, ऊंच नीच की, देवतावाद की, अवतारवाद की, श्रद्धा से खेलने की, बेबस देवदासियों की, धर्म स्थलों में लूट की, गुरु घंटालों की, अश्लीलता की, नंगे नाच गाने की, नंगे बाबाओं की, कामवासना की, बलात्कारियों की, मूर्ख और अयासी बाबाओं और अम्माओं की, अंधश्रद्धा की, अनैतिक संबंधों की, प्रदूषण फैलाने वाले त्योहारों की, अश्लील कृत्य की, मदिरापान की, गांजे के नशे की, खोपड़ी में दारू पीने की, पत्थर पर दूध बहाने की, भोग के नाम पर अन्न को जाया करने की, भूखे को भूखे मारने की, मृतक को पानी पिलाने की, जीवित को प्यासे मारने की, पापी मन को पानी से धोने की, रंगीलों की, बहुपत्नीत्व की, स्त्री को दासी बनाने की, स्त्री शोषण की, पत्नी को जुए में दाव पर लगाने की, दहेज की, बेटी को जन्म से पहले ही मारने की, चमत्कारों की, लाचारों को लाचार बनाने की, बेबस को और बेबस बनाने की, निर्धनों को और निर्धन बनाने की, धनवानों को और धनवान बनाने की संस्कृति रही है।
क्या ऐसी संस्कृति से आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है? क्या ऐसी संस्कृति से भारत देश महान बन सकता है? क्या ऐसी संस्कृति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवित रह सकता है? क्या ऐसी संस्कृति से समाज में समता, ममता और मानवता का वातावरण स्थापित हो सकता है? ऐसी घटिया संस्कृति भारतीय लोगों की कभी भी नहीं रही है। इसलिए एक भारतीय कुछ भी हो सकता है, परंतु हिंदू नहीं हो सकता है। शिक्षा का भगवाकरण करना, दलित लड़कियों के साथ रेप करना और उन्हें मजबूर करना कि वे पढ़ न सकें। हिंदुओं के हर छोटे से छोटे पर्व का खूब प्रसार प्रचार दलित मोहल्लों एवं बस्तियों में करना, हिंदू मंदिर बनाना, आरक्षण विरोधी प्रचार करना, दलितों के मन में ये भावना पैदा करना कि वो हिंदू हैं, दलित बस्तियों और मोहल्लों के आसपास शराब के ठेके खोलना ताकि वे ज्यादा से ज्यादा नशे की लत में पड़े रहें, हर हिंदू पर्व पर ज्यादा से ज्यादा सरकारी खर्च करवाया जाए, रास्ते जाम कर दिए जाएं, गांव और बस्तियों में पानी नल के बजाय टैंकर से भेजना ताकि ये आपस में खूब लड़े और सिर्फ उटाई करें, दलित समाज के खूब पढ़े लिखे और कामयाब लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करना ताकि दलित लड़के अपने समाज और माँ बाप से दूर रहें। अगर वे उनकी बात नहीं माने तो उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाया जा सके। इस प्रकार दलित लोगों के साथ हिंदुओं द्वारा इस प्रकार साजिश रचकर उनको अपंग किया जाता है। जो धर्म जिन लोगों को इस प्रकार अपंग बनाता है, वे लोग उस धर्म के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? ये लोग बंदर को भगवान मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, कुतिया को भी माता मानते हैं, सांप को देवता मानते हैं, बैल को बाप मानते हैं, सुअर को भी भगवान मानते हैं, मछली को भी भगवान मानते हैं, हाथी को भी भगवान मानते हैं, कछुवे को भी भगवान मानते हैं, परंतु इंसान को इंसान मानने में शर्म आती है। इंसान के लिए नीच, अछूत और हरिजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या ये लोग इसी ग्रह के प्राणी हैं या फिर दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन हैं? आखिर इंसानों से इनको इतनी नफरत क्यों है? क्या ये खुद जानवर तो नहीं हैं, जो भूलवश इंसान बन गए हैं, या फिर जानवरों को पूछते पूछते ये खुद को जानवर समझने लगे हैं? खैर, ये लोग कुछ भी हों, लेकिन हमारे हितैषी और हमारे भाई नहीं हो सकते। इनका धर्म और शोषित वंचितों का धर्म भी एक नहीं हो सकता। एक ही धर्म के लोगों में इस कदर नफरत, छुआछूत और द्वेष भावना नहीं हो सकती। धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। जबकि ये लोग भारतीयों को हमेशा से तोड़ते आए हैं। शोषक और शोषितों का धर्म कभी भी एक नहीं हो सकता। तथाकथित हिंदुओं की अपेक्षा अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के हितैषी रहे हैं। हिंदुओं ने मनुस्मृति में कानून बनाकर भारतीय लोगों को संपत्ति से बेदखल किया, जबकि अंग्रेजों द्वारा 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। ब्राह्मणी लोगों द्वारा न्याय व्यवस्था की रचना मनुस्मृति में वर्णों के आधार पर की गई, जिसमें ब्राह्मणी लोगों को सजा का कोई भी प्रावधान नहीं था और शूद्रों के लिए कठोर सजा का प्रावधान था, जबकि सन 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी। ब्राह्मणी संस्कृति में लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था, जबकि 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या हत्या पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगाई गई थी। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा समस्त भारतीयों पर शिक्षा प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा मनुस्मृति में कानून बनाकर दास प्रथा आरंभ की थी,
जबकि सन 1813 में भारतीय लोगों की आजादी के लिए अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। ब्राह्मणी संस्कृति में समस्त अधिकार मात्र ब्राह्मणों को प्रदान किए गए थे, भारतीय लोगों के लिए कोई भी अधिकार नहीं थे। जबकि सन 1817 में अंग्रेजों द्वारा समान नागरिक संहिता का कानून बनाया। ब्राह्मणी संस्कृति में शूद्रों की शादी होने पर शुद्धिकरण के लिए दुल्हन को कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर पर शारीरिक संबंध बनाकर गुजारनी पड़ती थी। जबकि सन 1819 में अंग्रेजों द्वारा अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई थी। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणी संस्कृति में ब्राह्मण शूद्र स्त्री एवं पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर बलि चढ़ा देता था। जबकि सन 1830 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों की नरबलि प्रथा पर रोक लगाई थी। ब्राह्मणी संस्कृति में भारतीय लोगों को जाति और वर्ण के आधार पर पद से वंचित रखा जाता था। जबकि अंग्रेजों द्वारा सन 1833 में अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्मस्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। ब्राह्मणी संस्कृति में विधि आयोग मात्र ब्राह्मणों के हितों के लिए गठित किया जाता था, जिसके अधीन ब्राह्मणों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए और भारतीय लोगों का अधिक से अधिक शोषण के लिए नियम और कानून बनाए जाते थे। जबकि अंग्रेजों द्वारा सन 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ, जिसके अधीन कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा शूद्रों के घर पैदा होने वाले पहले बच्चे को गंगा में फेंकने का कानून बनाया गया था, जिससे वह शूद्र बच्चा ब्राह्मणों के साथ बगावत न कर सके। जबकि सन 1835 में अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाकर भारतीय लोगों की संतानों को ब्राह्मणी बलि प्रथा से आजाद कराया था। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा शिक्षा को ब्राह्मणी एकाधिकार बनाया गया और संस्कृत भाषा की शिक्षा को भारतीयों के लिए पाप बताया गया। जबकि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा मनुस्मृति में कानून बनाकर शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार छीन लिया था। जबकि अंग्रेजों द्वारा सन 1835 को कानून बनाकर शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा अपनी पाखंडी दुकानदारी चलाने के लिए सती प्रथा का जघन्य कानून बनाया गया। जबकि अंग्रेजों द्वारा दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा अपने हरम के लिए देवदासी प्रथा बनाकर हजारों स्त्रियों का शोषण किया जा रहा था, जबकि अंग्रेजों द्वारा देवदासी प्रथा पर रोक लगाई गई। इस ब्राह्मणी पाखंड के कारण पुण्य कमाने हेतु शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे, बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,000 थी, जिसमें 2,00,000 देवदासियां मंदिरों में पड़ी थीं। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा भारतीय लोगों को धर्म रूपी पाखंड के नाम पर खूब ठगा जाता था, जबकि अंग्रेजों द्वारा सन 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा स्त्रियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सन 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय जे ईडी बेटन द्वारा स्थापित किया गया। सन 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। सन 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया।
ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा भारतीय लोगों को गुलाम बनाए रखने के लिए उनके सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पैनल कोर बनाकर सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतीय लोगों की जंजीरों को काट दिया और जाति, वर्ण और धर्म रहित एक समान आपराधिक कानून लागू कर दिया। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल के निर्माण में शूद्रों को जिंदा चुनवाने से वे ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहते हैं, इसलिए आलिशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। जबकि सन 1863 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस चरक पूजा पर रोक लगा दी गई। ब्राह्मणी संस्कृति में बाल विवाहों पर कोई रोक नहीं थी, जबकि अंग्रेजों द्वारा सन 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। ब्राह्मणी संस्कृति द्वारा मनुस्मृति में कानून बनाकर भारतीय लोगों को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया, जबकि अंग्रेजों द्वारा रयत वाणी पद्धति बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। इससे ये पुष्टि होती है कि ब्राह्मणी संस्कृति भारतीय लोगों को नष्ट करने वाली रही है, जिसके द्वारा भारतीय लोगों पर जघन्य अपराध किए गए हैं। और ऐसे अपराधों के उपरांत भी कोई कहता है कि भारतीय लोग हिंदू हैं, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उस शूद्र में भारतीय पुरखों का खून न होकर विदेशी ब्राह्मणों का है, जिन्होंने भारतीय लोगों के पुरखों को तड़फा तड़फा कर मौत के घाट उतारा गया था। भारतीय संविधान से पूर्व शूद्र और अछूतों की ब्राह्मणी तानाशाही व्यवस्था के कारण बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अछूत लोग कच्चे घरों में, तंबुओं में, झोंपड़ियों में आबादी से दूर अमीरों की हदों से हट कर रहते थे। धर्म प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, छूत प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं और अमीरों के अपने ही बनाए गए कायदे कानून के अछूत लोग गुलाम थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ब्राह्मणी लोगों की बराबरी करना, अपने हक के लिए लड़ना और शिक्षा प्राप्त करने का अछूतों को कोई भी हक नहीं था। उनके वैद्यक, डॉक्टर, धर्मगुरु और पंचायतें भी अलग होती थीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच और जातिवाद की दीवारें होती थीं। उनकी मेहनत पर ब्राह्मणी लोग अय्यासी करते थे और उनकी मेहनत की कमाई को उन लोगों द्वारा छीन लिया जाता था। ये लोग औरों के टुकड़ों पर पलने वाले होते थे। इनका अपना कुछ भी वजूद नहीं था। समाज में इनका आदर सम्मान, इज्जत, नाम और पहचान कुछ भी नहीं था। इन लोगों को गले में मटकी और कमर पर झाड़ू लटका कर चलना पड़ता था और इनको मनहूस समझा जाता था। इनकी औरतों से मनचाही, मनमानी और बदसलूकियां की जाती थी और इन लोगों को उसका विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। इन लोगों को गुलाम बनाकर खरीदा और बेचा जाता था और इन्हें हदों और पाबंदियों में रखा जाता था। जाति और धर्म के नाम पर इन्हें आपस में ही उठाना, लड़ाया जाता था। इनके पास सार्वजनिक स्थान पर पानी भरना, संपत्ति बटा, धन रखना इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। कुछ भी करने से पहले इन्हें इजाजत लेनी होती थी। ऊंची आवाज उठाना, आंखें और ऊंचा सिर उठाना इनके लिए पाप था। इनके एकता के संगठनों को विद्रोही समझा जाता था। अपने मतलब के लिए इन्हें मोहरा बनाया जाता था। ये लोग कमजोर, लाचार, असहाय, अनपढ़, गरीब, बेघर और बेसहारा थे। इन्हें अछूत के साथ साथ कई प्रकार के अपमान जनित नामों से जाना जाता था। इन लोगों को न तो छूने के काबिल माना जाता था और न ही दूसरे इंसानों को छू सकते थे। कोई भी ब्राह्मणी लोग इनसे दोस्ती या रिश्तेदारी बनाना पसंद नहीं करता था। इन्हें नीच और तुच्छ समझा जाता था। ब्राह्मणी लोगों की गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बिना वजह इनको दोषी करार देकर सजाएं दी जाती थीं।
कठपुतलियों की तरह इन्हें ब्राह्मणी लोगों द्वारा नचाया जाता था। अत्याचार, अन्याय, शोषण और जुल्म सहना इनकी आदत सी बन गई थी। इन लोगों की कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं थी। ये लोग अत्याचारों से बचने के लिए दर दर भटकते रहते थे। मौत और नरक से भी बदतर थी भारतीय अछूतों की जिंदगी। ब्राह्मणी लोगों की संस्कृति भारतीय लोगों की संस्कृति से बिल्कुल ही भिन्न रही है। ब्राह्मणी लोगों की इस देश में कोई भी बहन बेटी नहीं थी, इसलिए उनको किसी भी भारतीय नारी से अवैध संबंध बनाने में कोई भी संकोच नहीं होता था। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ सालों साल तक बलात्कार किया, फिर भी वह भगवान कहलाया। युधिष्ठर ने अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगाया, जब भी वह धर्मराज कहलाया। परशुराम अपनी निर्दोष माँ का हत्यारा होने पर भी भगवान का अवतार कहलाया। इस प्रकार ब्राह्मणी संस्कृति में एक माता और पिता से जन्मी संतानों में पुत्र को सवर्ण और पुत्री को शूद्र माना जाता है। जैसे तुलसीकृत रामायण में कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी अर्थात ब्राह्मणी धर्म समस्त भारतीय स्त्री जाति और समस्त भारतीय लोगों को पशु के समान मानता है, वह धर्म समस्त स्त्री जाति और भारतीय लोगों का कैसे हो सकता है। ब्राह्मणी लोग मलभक्षी सुअर को भगवान का अवतार मानकर उसकी पूजा करते हैं, परंतु समस्त भारतीय स्त्रियों और भारतीय लोगों को सुअर से भी नीच मानते हैं। ये लोग कुत्ता, सुअर, चूहा, पत्थर की मूर्ति जिस पर कुत्ते पेशाब करते हैं उनको पवित्र मानते हैं, और भारतीय लोगों की छाया से भी ये लोग अपवित्र हो जाते हैं और पवित्र होने के लिए मलभक्षी गाय के मूत्र का सेवन करते हैं। फिर ये दुष्ट धर्म भारतीय लोगों का कैसे हो सकता है। शूद्र महर्षि शंबूक ने भारतीय लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की, ब्राह्मणी लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। धनुर्धारी महापुरुष एकलव्य ने धनुष विद्या में महारत प्राप्त की, ब्राह्मणी लोगों ने उसका अंगूठा कटवा दिया था। भारतीय लोगों को आपस में विभाजित करने के लिए ब्राह्मणी लोगों ने विघटनकारी चार वर्णीय व्यवस्था की रचना कर डाली। भारतीय राजाओं के मगध राज्य पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणी लोगों ने अपनी सहायता के लिए सिकंदर को आमंत्रित किया था। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम भविष्य लिखने वाले बृहद्रथ मौर्य की हत्या ब्राह्मणी लोगों ने बेरहमी से कर दी। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाले बौद्धों का नरसंहार ब्राह्मणी लोगों ने बेरहमी से किया। संपूर्ण संसार के विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को ब्राह्मणी लोगों ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय लोगों की रूह कपा देने वाली हिटलर शाही काले कानून की किताब मनुस्मृति की रचना कर डाली। ब्राह्मणी राक्षस परशुराम ने भारत को 21 बार भारतीय क्षत्रिय रहित कर दिया। सोमनाथ के मंदिर का झंडा झुकाकर मोहम्मद बिन कासिम की विजय सुनिश्चित करने के लिए ब्राह्मणी लोगों ने देश के साथ देशद्रोह किया। सोमनाथ के मंदिर का जो फाटक हाथियों से भी नहीं टूटता था, उसे मोहम्मद गजनी के लिए लालची ब्राह्मणी लोगों ने खोल दिया। विज्ञानी सतगुरु रैदास की वाणी को जलाने वाले और उनकी हत्या करने वाले ब्राह्मणी लोग ही थे। देश की खातिर जान कुर्बान करने वाले शिवाजी का राज्याभिषेक बगैर नहाए बाएं पैर के अंगूठे से करने वाले ब्राह्मणी लोग ही थे। स्वामी विवेकानंद को शूद्र कहकर विश्व धर्म परिषद में जाने का विरोध करने वाले ब्राह्मणी ही लोग थे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले की हत्या की कोशिश ब्राह्मणी लोगों द्वारा की गई। भारत के बंटवारे में पूरा हाथ ब्राह्मणी लोगों का ही था। बाबा साहेब अंबेडकर की हत्या में पूरी साजिश ब्राह्मणी लोगों की थी। इस प्रकार कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणी लोग और उनके भगवान भारतीय लोगों के शुभचिंतक रहे हैं। बहुजनों की मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र व मंदिर नहीं है, बल्कि बहुजनों का उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थयात्रा, व्रत, पूजा पाठ व कर्मकांडों में निहित नहीं है।
धर्म ग्रंथों का अखंड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने व मंदिरों में माथा टेकने से बहुजनों की दास्ता दूर नहीं होगी। गले में पड़ी तुलसी की माला आपको गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से आपकी भुखमरी, दरिद्रता एवं गुलामी दूर नहीं होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चिथड़े मत लपेटो, दड़बे जैसे घरों में मत रहो और इलाज के अभाव में तड़फ तड़फ कर जान मत गंवाओ। भाग्य व ईश्वर के भरोसे मत रहो, तुम्हें अपना उद्धार खुद ही करना है। वर्टिकल बार धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं, और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। जहां ऊंच और नीच की व्यवस्था है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने की साजिश है। एक भी ऐसे अछूत व्यक्ति का नाम बताएं जिसका भला किसी देवी देवता अथवा ब्राह्मणी भगवान ने किया हो। संविधान लागू होने से पूर्व किसी एक दलित व्यक्ति को नौकरी दिलवाने वाले किसी देवी देवता का नाम बताएं। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने जाति के कारण अपमानित होते हुए किसी अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को अपमानित होने से बचाया। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने प्यास से मरते हुए किसी अछूत को पानी पिलाया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जो किसी अछूत के घर पैदा हुआ हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने द्विजों से कहा हो कि अछूतों से इंसानों के समान व्यवहार करो, बदले में मैं ऐसे द्विजों को अपने परम धाम में जगह दूंगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताओ जिसने कहा हो कि जातीय भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को नर्क की भट्टी में जलाया जाएगा, या उसके पकौड़े तले जाएंगे, या उसको कीलों के बिस्तर पर सुलाया जाएगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताओ जिसने कहा हो कि अगर कोई किसी अछूत कहे जाने वाले इंसान के स्पर्श अथवा परछाई से अपवित्र होने की बात कहता है तो मैं उसको दंडित करूंगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जो सड़ा गला खाना खाते हुए किसी अछूत से कहा हो कि तुम इंसान हो, तुमको ये सब खाने की आवश्यकता नहीं है, आओ मैं तुमको गाँव में ले जाकर भोजन करवाता हूँ। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने गांव के बाहर बस्ती बनाकर रहने वाले किसी अछूत से कहा हो कि तुम भी शेष सभी मनुष्यों की तरह हो, आओ मैं आपको गांव में रहने के लिए स्थान दिलवाऊंगा। शूद्रों को संपत्ति रखने का आंदोलन भी कभी भी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया। शूद्रों को पढ़ने लिखने का आंदोलन भी कभी भी सरस्वती देवी ने नहीं चलाया। शूद्रों के अच्छे भोजन का आंदोलन भी कभी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया। तो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को दलितों द्वारा नमन का क्या मतलब? ये सब देवी देवता काल्पनिक हैं। काल्पनिक होने के नाते ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनका ये भला करते हैं उन्होंने इनकी रचना की है। यदि इनके देवी देवता और भगवान निष्पक्ष होते तो ये देवी देवता और भगवान अपने मंदिर में अपनी पूजा के लिए किसी बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को बैठाते, परंतु संस्कृत से PhD किया हुआ एक दलित मंदिर में पूजा नहीं करा सकता। जबकि 5वीं फेल एक ब्राह्मण को ये सभी अधिकार हैं, वह मंदिर का पुजारी बनने के साथ साथ पूजा भी करा सकता है। उनके लिए इस प्रकार का आरक्षण 4000 सालों से चला आ रहा है। ये कैसा आरक्षण है? अपने इस धंधे में भारतीय मूल के किसी योग्य व्यक्ति को भी प्रवेश नहीं होने दिया, ये कैसा आरक्षण है? भारत के मंदिरों में अथाह धन जमा है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के एकाधिकार में है, और धर्म के नाम पर ब्राह्मण अपनी अय्याशी के लिए प्रयोग करता है। इस धन से दलित और गरीब की मदद की जा सकती है, किंतु उस धनराशि का प्रयोग दलितों के विरुद्ध उनकी अवंती के लिए प्रयोग किया जाता है। यह धन किसी और का नहीं, ये धन दलित और उनके पूर्वजों का है, जिसे इन ब्राह्मणों ने छल और कपट से उनसे छीन लिया। दलित लोग अपने स्वयं की बर्बादी के लिए मंदिर का रुख करते हैं। यदि दलितों को अपनी बर्बादी और अपमान से बचना है, आज से प्रण करें कि हम न तो मंदिर जाएंगे और न ही कोई दान मंदिर में करेंगे। इन मंदिरों में दलितों को बर्बादी और अपमान के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है।
ब्राह्मणी मंदिरों में देवदासी प्रथा ब्राह्मणों के इतिहास का और संस्कृति का एक पुराना और घिनौना अध्याय है, जिसका आज के समय में कोई औचित्य नहीं है। आज के समय में इस प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। हजारों वर्षों से ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्रों और स्त्रियों का इसी प्रकार शोषण होता हुआ आया है। वर्तमान व्यवस्था भारतीय संविधान की होते हुए भी भारत सरकार द्वारा इस घिनौनी ब्राह्मणी व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है और छोटी छोटी बच्चियों को ब्राह्मणी मंदिरों में ब्राह्मणों की अयासी के लिए झोंका जा रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति पर एक धब्बा है। इस प्रथा के अंतर्गत महिलाएं धर्म के नाम पर ब्राह्मणी मंदिरों में दान कर दी जाती हैं और फिर उनका जीवन धर्म और शारीरिक शोषण के बीच जूझता रहता है। जो सारी जिंदगी इन ब्राह्मणों और मंदिर के पुजारियों की हवस का शिकार बनती रहती हैं। आज भी आंध्र प्रदेश में, विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में, दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की रस्म चल रही है। देवदासी बनी महिलाओं को इस बात का भी अधिकार नहीं रह जाता कि वे किसी की हवस का शिकार होने से इनकार कर सकें। दिल दहला देने वाले इस शारीरिक शोषण का सामना ये देवदासियां हर दिन करती हैं। देवदासी प्रथा भारत के दक्षिणी पश्चिम हिस्से में सदियों से चले आ रहे धार्मिक उन्माद की उपज है। जिन बालिकाओं को देवी देवता को समर्पित किया जाता है, वह देवदासी कहलाती हैं। देवदासी का विवाह देवी देवता से हुआ माना जाता है, वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती है। वे मंदिर के पुजारी की हवस के लिए ही प्रयोग की जाती हैं और जब पुजारी का मन भर जाता तो वे अन्य लोगों को भी भोग करने के लिए भेजी जाती हैं और पुजारियों द्वारा कमाई की जाती है। इन देवदासियों के बच्चे होना भी आम बात रही है, किंतु उन बच्चों को कोई बाप का नाम नहीं देता है। उन बच्चों को भगवान का बच्चा कहा जाता है, अर्थात हरिजन, जो पिछड़े लोगों के ऊपर जाति बना के थोप दिया गया है। बहुजन लोगों की स्त्रियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत होने से कैसे कह सकते हैं कि भारतीय बहुजन लोग हिंदू धर्म के अंग हैं? देश के बहुजन महापुरुषों ने इस सामाजिक कैंसर को मिटाने का भरसक प्रयास किया है। समय समय पर इसके खिलाफ आवाजें भी उठाई हैं, परंतु यह कोढ़ रूपी बीमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आधुनिक भारत में अनेक महापुरुषों ने इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी किए, जैसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, महाराजा गायकवाड़, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आदि। परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतने लोगों की कुर्बानी के बाद भी यह व्यवस्था आजाद भारत के 70 साल बाद भी सामाजिक सहिष्णुता, भाईचारा, विकास आदि को खाए जा रही है। यह व्यवस्था इसलिए बरकरार है क्योंकि इसे मिटाने का प्रयास समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किया गया जो हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणिया शूद्र वर्ण में आते हैं। इस व्यवस्था के खिलाफ सवर्ण समाज के लोगों द्वारा प्रयास कभी नहीं किया गया। यह बात अलग है कि ये लोग ऐसी व्यवस्था को मिटाने के ढोल पीटने में हमेशा आगे रहे हैं। जैसे किताबी स्रोतों से पता चलता है कि गांधी जी छुआछूत को मिटाने के लिए आजीवन लड़ते रहे, परंतु सच्चाई यह है कि उन्होंने हरिजन शब्द को पुनः जीवित किया, जिसका अर्थ गाली से भी खतरनाक होता है, और एक संघर्षशील समाज को नाजायज समाज की संज्ञा दे दी गई। यह देश हिंदू मुस्लिम और ईसाइयों का नहीं है, यह देश बुद्ध और उनकी विज्ञान का सदियों से रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारत देश को बुद्धमय करने का संकल्प लिया था और इस संबंध में उन्होंने पहल भी की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब द्वारा निर्मित किए गए संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हुआ था।
भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने भारत के मूल बुद्ध धम्म के आसमानी नीले रंग को राष्ट्रीय रंग के रूप में, धम्म के कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल के रूप में और बोधि वृक्ष के पीपल को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई। बुद्ध धम्म के धम्म चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता दी गई और राष्ट्रीय झंडे पर धम्म चक्र अंकित किया गया। सम्राट अशोक की राजधानी चार सिंह वाली मुद्रा के प्रतीक को भारत देश की राजमुद्रा के रूप में घोषित किया गया। पंचशील और आष्टांगिक मार्ग पर भारतीय संविधान की रचना की गई। सम्राट अशोक के सत्यमेव जयते को भारतीय शासन व्यवस्था में स्वीकृति दी गई। भारत को पूरी दुनिया में पहचान बौद्ध संस्कृति के कारण मिली है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का पहला रंग लाल है, जो बौद्ध भिक्षु के चीवर का रंग है, जो कि त्याग का प्रतीक है। दूसरे सफेद रंग का बौद्ध धम्म में विशेष महत्व है, जो कि शांति एवं सत्य का प्रतीक है। बौद्ध उपासक बटा उपासिका शील ग्रहण करते समय सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तीसरा हरा रंग है, जो कि प्रेम का प्रतीक है। तिरंगे के बीच में बौद्ध धम्म का धम्म चक्र नीले रंग में अंकित किया गया है, जो कि पूरी दुनिया को बौद्ध धम्म की पहचान दिलाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम बौद्ध धम्म से संलग्न है। भारत रत्न ये भी बौद्ध धम्म की पदवी है। बुद्धम, धम्मम, संघम ये तीनों बौद्ध धम्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धम्म में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को रत्न की पदवी दी जाती है। अनेक बौद्ध भिक्षुओं के नाम रत्न पर आधारित हैं, जैसे भंते ज्योतिरत्न, भंते संघरत्न, भंते शांतिरत्न इत्यादि। रत्न महान शब्द से देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम भारत रत्न रखा गया है। बौद्ध धम्म के मैत्री और करुणा के प्रतीक कमल के फूल को संविधान कमेटी ने राष्ट्रीय फूल की मान्यता दी है। पाली भाषा में कमल के फूल को पद्म कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार के बाद तीन प्रमुख पुरस्कार पद्य नाम पर दिए जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार का नाम अशोक चक्र है। राष्ट्रपति भवन के प्रमुख हाल का नाम भी अशोक हाल है। हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निवास स्थान के परिसर का नाम भी बौद्ध संस्कृति पर रखा है। सम्राट अशोक के मंत्रिमंडल के नगर का नाम भी जनपथ था, इसलिए जनपथ नाम रखा है। भारत की पहचान करने वाली प्रत्येक बात का बौद्ध धम्म से संबंध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदेशी आर्य संस्कृति को भारत में स्थापित करने की कोशिश करता है। उसने अपनी पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में स्वयंसेवकों के लिए निर्देश दिए हैं कि अशोक चक्र वाले तिरंगे के स्थान पर भगवा झंडे को मान्यता प्रदान करें। जमींदारी प्रथा और राजाओं के राज्यों को पुनः स्थापित किया जाए। संसदीय जनतंत्र भारतीय जनमानस के लिए उचित नहीं है। समाजवाद एक विदेशी विचारधारा है। भारत का संविधान जहरीला बीज है। सभी विधानसभाएं और राज्य सरकारें समाप्त घोषित कर दी जानी चाहिए। भारत की सरकार तानाशाही होनी चाहिए। जब तक ईसाई मुस्लिम हिंदुत्व स्वीकार नहीं करते, तब तक उनके साथ दुश्मन की तरह बर्ताव किया जाए। निजी स्कूलों में कम से कम बहुजन बच्चों को दाखिला दिया जाए। सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई हो और बिना पढ़ाई के बच्चों को पास किया जाए, जिससे वे आम प्रतियोगिताओं में सफल न हो सकें। ब्राह्मण दिन रात हिंदू हिंदू क्यों चिल्लाता रहता है? इसका एक सनसनीखेज खुलासा ब्राह्मण को पता है कि जब तक उसने हिंदू नाम की चादर धर्म के नाम पर ओढ़ रखी है, तब तक ही उसका वर्चस्व भारत पर है। क्योंकि वह जानता है कि ब्राह्मण के नाम पर वह गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता है, किंतु हिंदू के नाम पर उसको प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने में कोई समस्या नहीं होती है, वह झट से बन जाता है। ब्राह्मण यह भी जानता है कि जिस दिन यह हिंदू नाम की चादर खुल गई, उस दिन वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इसीलिए ब्राह्मण दिन रात हिंदू हिंदू रटता रहता है। जबकि ब्राह्मण खुद यह जानता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है।
हिंदू एक फारसी का शब्द है। हिंदू शब्द न तो वेद में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है, न आरण्यक में है, न रामायण में है और न ही महाभारत में है। ब्राह्मण दयानंद सरस्वती स्वयं कबूल करते हैं कि यह मुगलों द्वारा दी गई गाली है। 1875 में ब्राह्मण दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, हिंदू समाज की नहीं। अनपढ़ ब्राह्मण भी यह बात जानता है कि ब्राह्मण अपने आप को कभी भी हिंदू नहीं कहते हैं। आज भी वे स्वयं को ब्राह्मण ही कहते हैं, लेकिन वे सभी मूलवासी शूद्रों को हिंदू कहते हैं। जब शिवाजी हिंदू थे और मुगलों के विरोध में लड़ रहे थे, तब भी पूना के ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र कहकर राजतिलक से इनकार कर दिया। घूस का लालच देकर ब्राह्मण गागी भट्ट को बनारस से बुलाया गया। गागी भट्ट ने गागा भट्टी में उन्हें विदेशी राजपूतों का वंशज बताया तो गया, लेकिन राजतिलक के दौरान मंत्र पुराणों के ही पढ़े गए, वेदों के नहीं। इस प्रकार ब्राह्मणों ने शिवाजी को हिंदू नहीं माना। ब्राह्मणों ने मुगलों से कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी तरह ही विदेशी हैं। परिणामतः सारे हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया, लेकिन ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया। 1920 में ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार की चर्चा शुरू हुई। ब्रिटेन में भी दलील दी गई कि वयस्क मताधिकार सिर्फ जमींदारों व करदाताओं को दिया जाए, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई और वयस्क मताधिकार सभी को दिया गया। तिलक ने इस व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि तेली, तंबोली, माली, कुंबी इत्यादि शूद्र संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। ब्राह्मणों ने सोचा यदि भारत में वयस्क मताधिकार लागू हो गया तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण मक्खी की तरह फेंक दिए जाएंगे और कभी भी बहुसंख्यक नहीं बन सकेंगे। सत्ता बहुसंख्यकों के हाथों में चली जाएगी। तब सभी ब्राह्मणों ने मिलकर 1922 में हिंदू महासभा का गठन किया। जो ब्राह्मण स्वयं को हिंदू मानने को तैयार नहीं थे, वे वयस्क मताधिकार से विवश हुए और मनुवादी विचारधारा को हिंदुवादी विचारधारा में परिवर्तित करके चार वर्णीय व्यवस्था पर कोई भी आघात नहीं होने दिया और हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर भारत के प्रत्येक सत्ता के केंद्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। सरकार, विपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, पुलिस, मिलिट्री, शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था इत्यादि में सभी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया। मतलब एक विदेशी गया तो दूसरा विदेशी सत्ता में आ गया। हम अंग्रेजों के पहले ब्राह्मणों के गुलाम थे और अंग्रेजों के जाने के बाद भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। इस प्रकार हिंदू की आड़ में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने बहुसंख्यक बनकर संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। हिंदू की आड़ में देश की आजादी के बाद भी उन्होंने अपनी उन्नति का मार्ग खोज लिया, पुनः भारतीय मूलवासियों पर अपना कब्जा जमा लिया और भारतीय मूलवासी वैसे के वैसे रह गए। हिंदू की आड़ में ऊंच नीच और छुआछूत की व्यवस्था से उन्होंने भारतीय मूलवासियों का विकास अवरुद्ध कर दिया। देश की आजादी के बाद भारतीय संविधान का निर्माण मुख्य रूप से भारतीय समाज में व्याप्त विकृति को मिटाने के उद्देश्य से किया गया और उसमें एक समतामूलक समाज बनाने का प्रावधान रखा गया, जिससे भारतीय समाज के हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त हो, सबको रोजगार मुहैया हो, सबको धन संपत्ति रखने का अधिकार हो, समाज में ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना नहीं हो, जाति एवं धर्म के आधार पर मनुष्य का विभाजन न हो, मौलिक अधिकारों से कोई वंचित न हो। लेकिन देश की आजादी के समय तक भारत में भारतीय मूलवासियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। न तो उनके पास धन संपत्ति थी, न ही उनके पास मान सम्मान था, न ही उनके पास खेत खलियान थे, न ही रहने के लिए आशियाने थे, न ही ढंग से पहनने एवं उड़ने के लिए वस्त्र थे। या तो आर्य लोगों की जूठन खाकर जीवन यापन करते थे या मरे हुए जानवरों का मांस खाकर। मरे हुए जानवरों का मांस भी तब नसीब होता था जब मरे हुए जानवर को विदेशी आर्य संस्कृति के ठेकेदारों के घर से बिना मजदूरी के उठाया जाता था। तब अपने 3 दिन से भूख से बिलखते बच्चे को मरे हुए जानवर का खाना नसीब होता था।
इसलिए विदेशी आर्य संस्कृति की दूषित व्यवस्था से बहिष्कृत समाज को समाज की मूलधारा में लाने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया जो भारतीय संस्कृति के एक मानवतावादी समाज की रचना करता है, लेकिन भारत में भारतीय संविधान के रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आज भी पूरे देश में विदेशी आर्य संस्कृति के ग्रंथ मनोविधान का ही बोलबाला है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मनोविधान के अनुसार ही जाति व्यवस्था है, मनोविधान के अनुसार ही जातियों के आचार विचार हैं। धार्मिक आरक्षण आज भी 100% विदेशी आर्य संस्कृति के ठेकेदारों को है, जिससे देश के 3.5% विदेशी आर्य संस्कृति के ठेकेदारों के पास लगभग 25% धन दौलत एवं संपत्ति पर अधिकार है। सेना में आज भी लगभग 70% आरक्षण क्षत्रियों के लिए आरक्षित है। व्यवसाय में लगभग 60% आरक्षण वैश्यों का है। पिछड़ा वर्ग देश में लगभग 52% निवास करता है, लेकिन शिक्षाहीन एवं आरक्षणहीन होने के कारण उसकी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में भागीदारी नगण्य है। यदि अनुसूचित जाति बटा जनजाति को आरक्षण न मिला होता तो उनकी भागीदारी भी नगण्य ही होती और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। समाज के बहिष्कृत हिस्से के रूप में पड़े रहते वर्टिकल बार, इस प्रकार आरक्षण भारतीय समाज की समरूपता के लिए एक व्यवस्था है। जब तक सामाजिक अव्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक आरक्षण व्यवस्था का हटना नामुमकिन है। जाति के कारण भारतीय समाज 6 प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई और पूरा भारतीय समाज विभिन्न खंडों में विभक्त हो गया। जाति के कारण ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हुआ, खानपान और व्यवहारों में परस्पर कटुता उत्पन्न हुई, नागरिक जीवन और धार्मिक विषयों में कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए, पेशे के चुनावों में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव उत्पन्न हो गया और परस्पर एक दूसरे के साथ शादी विवाहों में प्रतिबंध लग गया। उत्तर भारत में जातियों को 5 समूहों में विभक्त किया गया, जिनमें एक समूह ब्राह्मण जातियों का है जो दूसरी जातियों का कच्चा भोजन स्वीकार नहीं करता है और न ही उनके साथ एक पंक्ति में बैठकर भोजन कर सकता है। दूसरे समूह में वे जातियां आती हैं जिनके हाथ का पका भोजन ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। तीसरे समूह की जातियों से ब्राह्मण केवल जल ग्रहण कर सकता है। चौथे समूह की जातियां अछूत नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मण उनके हाथ द्वारा जल ग्रहण नहीं कर सकता है। पांचवें समूह में वे जातियां हैं जिनके छूने मात्र से ब्राह्मण और अन्य जातियां अशुद्ध हो जाती हैं। ब्राह्मणी समाज में ब्राह्मण कच्चा भोजन केवल अपनी ही जाति में ग्रहण करता है। एक अछूत जाति दूसरी अछूत जाति के हाथ से न तो कच्चा और न पक्का भोजन स्वीकार करती है, बल्कि उनको शूद्र जातियों के हाथ का दोनों प्रकार का भोजन स्वीकार्य है। पूर्वी तथा दक्षिणी बंगाल, गुजरात तथा समस्त दक्षिणी भारत में कच्चे तथा पक्के भोजन का कोई भी भेद नहीं है। गुजरात तथा दक्षिणी भारत में ब्राह्मण किसी अब्राह्मण जाति के हाथ से न तो भोजन और न जल ही ग्रहण करता है। उत्तर भारत में अछूत जातियों से छू जाने पर अछूत लगती हैं, किंतु दक्षिण में अछूत व्यक्ति की छाया और उसके निकट जाने से ही छूत लग जाती है। ब्राह्मण को तमिलनाडु में शानान जाति के व्यक्ति द्वारा 24 पग से मालाबार में तिया से 36 पग और पुलिया से 96 पग की दूरी से छूत लग जाती है। महाराष्ट्र में अछूतों की छाया से ब्राह्मणी लोग अशुद्ध हो जाते हैं। केरल में नायर जैसी सुसंस्कृति जाति के छूने से नंबूदरी ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। तमिलनाडु में पुराड बन्नान नाम की एक जाति के दर्शन मात्र से छूत लग जाती है। अछूतों की दशा उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक खराब है। 18वीं शताब्दी के पूर्व तक महाराष्ट्र में महार जाति के लोगों को दिन में 10 बजे बाद और 4 बजे के पहले ही गांव और नगर में घुसने की आज्ञा थी। उस समय भी उन्हें गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना होता था।
दक्षिण भारत में तिया और अन्य अछूत जाति की नारियां शरीर का ऊर्ध्व भाग ढककर नहीं चल सकती थीं। नाई, कुम्हार, तेली जैसी जातियां भी वैदिक संस्कारों और शास्त्रीय ज्ञान के अधिकार से वंचित रही हैं। गुजरात के 1589 गांवों में एक ताजा खोज से पता चला है कि दलितों के साथ 98 प्रकार की ऐसी छुआछूत अब भी की जाती हैं, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दलितों के साथ रहने वाले गैर दलित छात्र जब वापस घर लौटते हैं तो उनके माँ बाप उनके शुद्धिकरण के लिए क्या क्या अजीब तरीके अपनाते हैं। 2.5 साल पहले गुजरात पुलिस से रिटायर्ड दलित आईपीएस अफसर राजन प्रियदर्शी ने दलितों पर अत्याचार विषय पर पीएचडी के दौरान गैर दलित छात्रों से प्रश्न पत्र में यही सवाल पूछा। बच्चों ने बताया कि माँ बाप उन्हें गाय छूने को कहेंगे जिससे वे पवित्र हो जाएंगे, गंगाजल छिड़कने को कहेंगे जिससे वे शुद्ध हो जाएंगे, मुसलमान को छूने को कहेंगे जिससे वे शुद्ध हो जाएंगे, और सूरज की ओर लगातार देखने को कहेंगे जिससे भी वे शुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मणी लोग दलितों के साथ खाने को तो दूर उन्हें पड़ोसी बनाने को भी तैयार नहीं होते हैं। आईजी की पोस्ट तक पहुंचने वाले प्रियदर्शी अपने गांव में ब्राह्मणी लोगों के दबाव के कारण अपना घर तक नहीं बना सके। मजबूरन वे अहमदाबाद के एक दलित बहुल इलाके में रह रहे हैं। वे कहते हैं, गुजरात में कोई दलित अपनी मनपसंद जगह में नहीं रह सकता है। गुजरात में दलितों की संख्या केवल 7% है और जाति विभाजन के आधार पर गुजराती समाज में दलित सबसे नीचे हैं। गुजरात के 1589 गांवों में रिसर्च कुछ समय पहले रॉबर्ट एफ कैनेडी फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स ने स्थानीय नवसर्जन ट्रस्ट के साथ दलितों के हालात पर गुजरात के 1589 गांवों का अध्ययन किया। इसमें पता चला कि दलितों के साथ 98 तरह की छुआछूत की जाती है। 98.1% गांवों में ब्राह्मणी लोग दलितों को मकान किराए पर नहीं देते हैं। 97.6% गांवों में दलित लोग ब्राह्मणी लोगों के बर्तनों को छू नहीं सकते हैं। 67% गांवों में दलित पंचायत सदस्यों के लिए अलग से कप रखे जाते हैं। 56% गांवों के चाय ढाबों पर दलित लोग और ब्राह्मणी लोगों के लिए अलग अलग कप रखे जाते हैं, और दलित लोगों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कपों को धोकर ब्राह्मणी लोगों के कपों से दूर रखें। 53% गांवों में दलित बच्चों को पाठशाला में अलग बिठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे अपना पानी घर से लाएं। नवसर्जन ट्रस्ट की मंजुला प्रदीप बताती हैं, पहले बसों में ब्राह्मणी लोगों को बैठने के लिए दलितों को सीटें देनी पड़ती थीं। वे कुएं से वे स्वयं पानी नहीं भर सकते हैं, उन्हें ऊपर से पानी दिया जाता है। ब्राह्मणी लोगों के दाह संस्कार के बाद मृतक की चारपाई दलित लोगों को दी जाती है और कफन सफाई कर्मी समुदाय के व्यक्ति को दिया जाता है। दलित बच्चों से ही टॉयलेट की सफाई करवाई जाती है, और शोध में पाया गया कि 77% गांवों में मैला ढोने की व्यवस्था है। इन सभी कृत्यों से परेशान होकर दलित गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें मकान ब्राह्मणी लोगों द्वारा किराए से नहीं दिया जाता है। अहमदाबाद में दलितों के अलग मोहल्ले हैं, जैसे बापूनगर, अमराईवाड़ी, वेजनगर। अमीर दलित लोग भी ब्राह्मणी लोगों की बस्ती में नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपनी सोसाइटी में ही रहना पड़ता है। गांवों के मुख्य गरबे में दलित शामिल नहीं हो सकते हैं। दलित लोगों के शव जलने से निकलने वाले धुएं से उनकी पवित्रता नष्ट होने के कारण दलित लोगों के श्मशान अलग होते हैं। श्मशान न होने के कारण दलितों को अपने मृतकों को दफनाना भी पड़ता है। मंदिर की प्रतिष्ठा के वक्त ब्राह्मणी लोग प्लास्टिक की प्लेट में खाना खाते हैं और दलितों को कागज पर दिया जाता है। ये लोग दलितों को नीच कहकर चिढ़ाते हैं। गुजरात में हर वर्ष दलित उत्पीड़न के हजारों मामले दर्ज होते हैं। राम मंदिर बनाने के लिए बहुत से दलित और आदिवासी भी अयोध्या गए थे, लेकिन जब वही दलित वापस अपने गांव आए तो उन्हें राम मंदिर में घुसने तक नहीं दिया गया। ब्राह्मणी लोग दलित लोगों को बुरी निगाह से देखते हैं। दलित लोगों के पास जमीन तक नहीं होती है,
आर्थिक कारणों और भेदभाव के कारण दलित बच्चे बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाते हैं, इस कारण वे आरक्षण के फायदे से भी महरूम रहते हैं। हिंदू एकता के नाम पर राजनीतिक दल हिंदुओं को साथ तो ले आए, लेकिन दलितों की जिंदगी बदलने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में जब सभी वर्ग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो दलित युवा खुद की हालत देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर विकास के दौर में उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश छुआछूत और भेदभाव के मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। यहाँ पर अछूत लोगों को सरकारी नल खींचू और कुओं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता है। शिक्षा संस्थानों में सार्वजनिक नल से बच्चों को पानी नहीं पीने दिया जाता है और अलग बैठाकर खाना खिलाया जाता है। ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण बच्चों में ही कितनी हीन भावना उत्पन्न की जाती है। अछूतों को सार्वजनिक दाह संस्कार स्थानों पर दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता है, उनकी बस्तियां भी अलग होती हैं, उनकी बस्तियों में सरकार द्वारा विकास करने में पक्षपात किया जाता है, उनको शिक्षा सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। हिंदू कहकर उनसे वोट तो ले लिया जाता है, परंतु वोट लेने के बाद अछूतों से बढ़कर कोई व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है। उनके विकास पर कोई भी सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती है। जो भी सरकारें चुनकर आती हैं, वे सभी ब्राह्मणी कायदे कानूनों के अनुरूप कार्य करती हैं। इस कारण उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। राजस्थान में ब्राह्मणी लोगों द्वारा दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। जो दूल्हे घोड़ी पर चढ़ने का दुःसाहस करते हैं, उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी ही स्थिति पूरे उत्तर भारत में है। गौतम बुद्ध जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। महावीर जैन जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए जैन धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए सिख धर्म की स्थापना की। कबीर दास जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए कबीर पंथ की स्थापना की। संत रविदास जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए रविदासिया पंथ की स्थापना की। ज्योतिराव फुले जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए सत्यशोधक समाज की रचना कर डाली। बाबा साहेब अंबेडकर जानते थे कि हिंदू धर्म को सुधारा नहीं जा सकता था, इसलिए बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। फैसला अब आपके हाथों में है कि आप बाबा साहब और गौतम बुद्ध के विचारों को अपनाना चाहते हैं या फिर इन विदेशियों के बनाए हुए धर्म के कीचड़ में अपना और अपने बच्चों के भविष्य को चकनाचूर करना चाहते हो। 2040 तक एशिया के सबसे बड़े धर्मों में बुद्ध धर्म ही होगा, जो एशिया के सभी देशों को आपस में एकता के सूत्र में बांधेगा। जो आज कई देश आपस में लड़ रहे हैं, वे बौद्ध धर्म से एकता के सूत्र बंध जाएंगे। आज जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, उनका किसी देश से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और इतने स्वस्थ संपन्न और मजबूत हैं कि किसी देश की हिम्मत नहीं कि किसी बौद्ध देश पर आंख भी उठाकर देख सके। बौद्ध देश सभी देशों में बुद्ध के सत्य, अहिंसा, मानवता, शांति, दया और प्रेम की भावना का संचार कर रहे हैं और सभी देशों को वैमनस्यता से दूर करके मानवता के मार्ग की ओर आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के कुछ देश के वैमनस्यता फैलाने में लगे हुए हैं और बौद्ध लोग अपने देशों में नए नए आविष्कार करके इंसान के जीवन को सुगम बना रहे हैं। अगर कोई देश बुद्ध देश के खिलाफ अगर युद्ध भी करता है, तो उस देश के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हालात इतने खराब कर देते हैं कि वे देश हमेशा बुद्ध देश से आंखें झुका कर रहते हैं। एशिया के साथ साथ पूरे संसार में विज्ञानी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है और कुछ समय में ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। अब बुद्ध देश इतने मजबूत हो गए हैं कि अमेरिका जैसा देश भी बुद्ध देशों की तकनीक और सामानों का आयात कर रहा है।
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से अनजान और समाज से दूरी बनाए रखने वाले लोग फैसला करें कि आप बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध, गुरु रविदास और गुरु कबीरदास के विचारों को अपनाना चाहते हैं, या फिर आप लोग विदेशियों के बनाए हुए ऊंच नीच और जातिवादी धर्म के कीचड़ में अपने आप को और अपने बच्चों के भविष्य को आज भी झोंकना चाहते हैं। बौद्ध धर्म मनुष्य ही नहीं सभी जीवों के लिए सुखद जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। मनुष्य मनुष्य के बीच भाई चारे की भावना को बढ़ावा देता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति प्यार और करुणा की भावना उत्पन्न करता है। न कोई हिंदू होता है और न ही मुसलमान, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्र मजबूत होता है और देश को एक नई दिशा मिलती है। एक दूसरे के प्रति संकीर्ण भावना का पतन होता है। प्रेम विवाह के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बरकरार रहता है। साथ ही साथ दहेज प्रथा जड़ से ही खत्म हो जाती है। समतामूलक समाज की स्थापना होती है। सामाजिक जीवन में किसी भी व्यक्ति में जाति के आधार पर मनोविकार उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही उनके दिमाग में संकीर्ण भावना उत्पन्न होती है। ऐसे विचारों से अखंड भारत का निर्माण होता है, क्योंकि इंसान को बांटकर राष्ट्र निर्माण की आधारशिला नहीं रखी जा सकती है। देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर और स्कूलों में बच्चों को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है और उनमें मनोविकार उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मणवाद के आधार पर जो लोग समाज को जाति और धर्म के नाम बांट रहे हैं, उनका भी अंत होता है। बौद्ध विचारधारा से देश की संसद में गुणवान तथा चरित्रवान लोग पहुंचेंगे, क्योंकि अभी अपनी अपनी जातियों का वोट पाकर अशिक्षित, असभ्य, दुराचारी, बलात्कारी, पापाचारी आदि लोग संसद में पहुंच जाते हैं, जो कि भारतीय समाज को विभाजित करने की राजनीति करते हैं। जो धर्म जिन अनुयायियों का अच्छा दर्शन करते हैं, वे अनुयायी उस धर्म का अनुसरण करते हैं। जो जिन अनुयायियों के पतन का मार्ग दर्शन करते हैं, वे अनुयायी उस धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जब अंग्रेज अपने देश के हुक्मरान बने, तो उन्होंने भारतवासियों को गुलाम बनाकर ऐसी नीतियां एवं कानून बनाए जिनसे भारतवासियों का पतन और शोषण होने लगा। भारतीय लोगों के मूल अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा, तो भारतीय लोग अंग्रेज संस्कृति या उनके धर्म के अंग कभी नहीं हो सकते हैं। भारत में जो कुछ ईसाई बने हैं, वे सब हिंदू संस्कृति और उनके धार्मिक अत्याचारों के कारण बने हैं। ये सभी लोग शूद्र वर्ण से ही हैं। इसी प्रकार जब मुगल अपने देश के हुक्मरान बने, तो उनकी नीतियों से भी भारतीय लोगों का अपमान और शोषण होने लगा, तो भारतीय लोग मुस्लिम संस्कृति या उनके धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। भारत में जो कुछ भी मुस्लिम हैं, वे सब हिंदू संस्कृति और उनके धार्मिक अत्याचारों के कारण बने हैं। इसी प्रकार 4000 वर्ष पूर्व विदेशी आर्य भारत आए और उन्होंने भारतीय लोगों पर ऐसे जुल्म ढाए जिनका बखान कलम के माध्यम से करना नामुमकिन है। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी और आज भी लूटी जा रही है। उनके घरों को जला दिया गया, उनकी चल अचल संपत्ति लूट ली गई और भारतीय मूलवासियों को बंदी बनाकर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, तो भारतीय मूलवासी लोग ब्राह्मणी हिंदू नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के हिंदू धर्म की काल्पनिक रचना ब्राह्मणी लोगों ने हर क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए की गई है, न कि वर्ण और जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए। वर्ण और जाति व्यवस्था को नष्ट होने के पक्ष में न तो ब्राह्मणी लोग पहले रहे हैं और न ही आज है। जिस दिन ब्राह्मणी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, उस दिन ब्राह्मणी लोग धरातल पर आ जाएंगे और भीख मांगने को उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। आज तक ब्राह्मणी लोग काल्पनिक भगवानों के नाम पर निठल्ले और निकम्मे बनकर पेट भरते रहे हैं।
जिस दिन भारतीय मूलवासी लोग जाग जाएंगे उस दिन इन ब्राह्मणी लोगों को आपके लेटरिन और बाथरूम भी साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 से प्रमाणित है कि अनुडॉक जाति बटा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं। विदेशी हिंदू संस्कृति, विदेशी मुगल संस्कृति और विदेशी ईसाई संस्कृति, इन तीनों संस्कृतियों के आधार पर भारत में किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। सरकारी दस्तावेजों में अनु जाति बटा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों से जो हिंदू धर्म का कॉलम भरवाया जाता है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अधीन अवैधानिक है। उस कॉलम के भरने पर तुरंत प्रतिबंध लगवाने के लिए भारतीय मूलवासी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अनु जाति बटा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को आरक्षण किसी धर्म की जातियों का भाग होने पर नहीं मिला है। अनु जाति बटा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय मूलवासी हैं और उन पर विदेशी आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति ने इतने कहर जुल्म और अत्याचार ढाए जिनको पढ़कर सुनकर और देखकर मन में अथाह दर्द भरी बदले की चिंगारी उठती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो धर्म जिन लोगों पर अत्याचार जुल्म और कहर ढाता है वे लोग उस धर्म के अंग कैसे हो सकते हैं? हमें आरक्षण इसलिए नहीं मिला है कि हम हिंदू रूपी वर्ण और जाति के अंग हैं। यह जातियां हिंदुवादी लोगों ने कार्य के आधार पर भारतीय मूल वासियों पर अत्याचार करने के अनुरूप जबरदस्ती थोपी हैं। जबकि भारतीय मूलवासी लोग देश के विकास के लिए इस प्रकार के धंधे करते थे, उन्हीं धंधों के आधार पर विदेशी हिंदू संस्कृति ने भारतीय मूलवासियों को ऊंचता नीचता के आधार पर विघटित कर दिया और उस ऊंचता नीचता के आधार पर तरह तरह के जुल्म एवं अत्याचार भारतीय मूलवासियों पर ढाए गए और वर्तमान में भी ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं। हिंदू संस्कृति ने भारतीय लोगों पर जाति एवं वर्ण के आधार पर जितने अत्याचार किए उन अत्याचारों का आकलन संविधान निर्माण कमेटी ने किया। उस आकलन के आधार पर भारतीय मूलवासियों को आरक्षण मिला है, न कि हिंदुओं की तथाकथित जाति होने पर। जो हिंदू शास्त्र अनु जाति बटा जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को बुरी बुरी गालियों से नवाजते हैं वे लोग हिंदू संस्कृति के अंग कैसे हो सकते हैं? हे शूद्रों और अछूतों, आप लोग इस देश के राजा रहे हो, क्षत्रिय रहे हो, बुद्धिस्ट रहे हो, हुक्मरान रहे हो, अपनी नींद से जागो और पूरे भारत पर बेधड़क कब्जा कर लो, अपनी सरकार निर्मित कर लो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को एक अजय शक्ति दी है, वह शक्ति है वोट की शक्ति। इस शक्ति से सभी शूद्र और अतिशूद्र मिलकर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं और सत्ता पर काबिज होने के बाद अपनी शिक्षा और ज्ञान की शक्ति को मजबूत करना होगा। शिक्षा और ज्ञान की शक्ति से आप लोगों को समाज में समरसता लानी होगी। रोटी बेटी के संबंध आपस में स्थापित करने होंगे। इसके बाद आपको शांति और सुखी जीवन के लिए सम्यक मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब संपूर्ण भारत धर्ममय हो जाएगा तो हर भारत का नागरिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने लगेगा।